जिन भाई को लगता है कि हमारे घर में पानी कम आ रहा है तो जीआई फिटिंग रह, ये देख रहे हैं ओपन दिया गया है किचन में हमारे एक पॉइंट गया है तो यहाँ से बंद कर देंगे जब ही तो यहाँ पानी बंद हो जाता है। ये देखिए दोस्तों पानी आना चालू हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो है जिन भाइयों को ये लगता है कि हमारे नल में पानी कम आता है उन लोगों के लिए वीडियो है। और जो लोग भाई हमारे पिछली वीडियो देखे थे बहुत प्यार दुलार हमें दिए, उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन कैसे किए हैं, काहे के लिए है दो दो कनेक्शन एक नल में, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। दोस्तों आप लोग जानकारी ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में बने रहें। दोस्तों छोटी सी आप लोगों से गुजारिश है कि जिन भाइयों ने चैनल को जो सब्सक्राइब किए हैं उनके लिए बहुत बहुत दिल से बधाई, और जो भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं अक्सर। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देख रहे हैं दोस्तों जैसे सामने जो नल दिखाई दे रहा है तो इसे हम खोल के आपके घर में पानी आपके नल में पानी कम आता है, क्यों आता है पानी कम, वो चीज़ की पहले जानकारी हम बताएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हमें इसे डिवाइड करके आप लोगों को समझाऊंगा कि मतलब इसमें वाल एक दे दिया, बीच में नल है एक और बाजू में एक वाल दे दिया, तो इसका और इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। तो हमारी वीडियो में बने रहें, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये नल को पहले हम खोल लेंगे। ये देखिए हम पकड़ ले लिए, पकड़ से इस नल को खोल लेते हैं। ये फिटिंग जो किया हुआ है दोस्तों ये जीआई फिटिंग है, पहले का पुराना फिटिंग जीआई है, लोखंड का फिटिंग ये देखिए। तो दोस्तों जिन भाई को लगता है कि हमारे घर में पानी कम आ रहा है तो जीआई फिटिंग रहता है, तो देखिए अंदर साइड से जंग लगा हुआ है, सब अंदर साइड से जंग लगा है, पूरा पैकिंग हो गया है। ये देखिए ये सब टोटल जंग दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए पूरा पैकिंग हो गया, तो इसके वजह से पानी कम आता है दोस्तों। तो ये अंदर अंदर सड़न पैदा होती है, ज़्यादा समय की हो जाती है पाइप तो अंदर अंदर सड़न पैदा होती है। तो ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप अपने बाथरूम का पाइपलाइन चेंज करवा लें, नई पाइपलाइन पीवीसी में कर लें, जैसे ये है ये देखिए, इसमें ना जंग लगने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है दोस्तों। ये देखिए क्योंकि ये पित्तल का रहता है, ब्रास का रहता है, ये सी पीवीसी पौने का पाइप है। तो दोस्तों ये देखिए हमने फिर जुगाड़ लगा के आपको समझाना है, तो हमने फिर जुगाड़ लगाया है वैसा ही, तो जुगाड़ भी हम आपको बताएंगे। और जिनको भाई को ये लगता है कि जैसे कि मान लो टाकी ऊपर है तो अपना टाकी के हाइट के ऊपर उसमें पानी आएगा कि नहीं आएगा वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों ये देखिए देख लीजिए ध्यान से, ये पूरा जंग लगा हुआ है क्योंकि ये दीवार के अंदर रहता है, तो दोस्तों ये सड़न पैदा होके ख़त्म हो जाती है, पाइप सड़ जाती है तो लीकेज वगैरह होना चालू हो जाता है और अंदर साइड से जंग लग जाता है, ऐसा भर जाती है तो पानी नल में कम आता है। जब ये आपका साफ है क्लियर है पानी नहीं आता है तो ये क्या होता है कि जैसे कि ये धीरे धीरे आके निकल के, ये देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए तो ये निकल के नल के अंदर आता है, नल के अंदर आता है तो वाइसर जो अपना रहता है स्पेंडर का वहाँ पे जाम हो जाता है, जाम हो जाता है तो नल से पानी कम आना चालू हो जाता है। तो आपको लगता है कि हमारे नल से पानी कम आता है, तो जो भाई का ये सवाल था तो उनका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया है कि किस लिए हमारे नल में पानी कम आता है। और उससे भी नहीं होता तो अपना जो टंकी का टैंक निप्पल रहता है, टैंक निप्पल रहता है तो अपने को बड़ा डालें, एक का टैंक निप्पल डालें और कनेक्टर मार के कनेक्ट कर लें, पौने के पाइप में भी कनेक्ट होता है, आधे के भी पाइप में कनेक्ट हो जाता है, तो कनेक्टर रहता है तो कनेक्ट हो जाता है। तो टैंक निप्पल जब बड़ा रहेगा दोस्तों तो ज़्यादा पानी का दबाव पड़ता है टैंक निप्पल के इधर से, तो पानी तेज आता है। आइए दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको कि ये देखिए ये हमारा टॉयलेट है, तो टॉयलेट में हमारे पाइप जो है ये ओपन दिया गया है, ये देख रहे हैं ओपन दिया गया है, किचन में हमारे एक पॉइंट गया है तो ये पॉइंट बंद है, ये बाहर साइड से पॉइंट आया है, ये जो लाइन है बाहर साइड से कनेक्शन मेन आया है। तो यहाँ पे देखिए टॉयलेट का नल है, ये देखिए तो ये जैसे देख रहे हैं कि ये खुला हुआ है, जैसे दीवार के अंदर नहीं है, खुला पाइप है, फिर भी इसको जंग लग के ये सड़न पैदा होना चालू हो गया है। तो दीवार के अंदर रहेगा दोस्तों तो पानी लगता है तो जल्दी सड़ जाता है पाइप, और ये खुले में है तो थोड़ा
टाइम लगता है सड़ने को, लेकिन अंदर से जो पानी बराबर लगता है तो जंग अंदर साइड से कवर कर लेता है, होल कम हो जाता है पाइप का, इसके लिए पानी कम आता है। दोस्तों आपके घर में पीवीसी कनेक्शन है तो टैंक निप्पल का जो है साइज बड़ा लगवाएं, एक का टैंक निप्पल लगवाएं और कनेक्टर से अपना जोड़ ले तो पानी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों अब इसे हम कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो इसे कनेक्ट करने के लिए दोस्तों ये देखिए, जैसे कि मैंने एक एंगल कॉक लिया, तो एंगल कॉक हमने दो लिया है, तो एक हमारा ये एंगल कॉक हो गया और दूसरा जो है ये देखिए, ये दो एंगल कॉक लिया है। तो दोस्तों इसमें ये काम कैसा करेगा ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं एंगल कॉक इसको एक टाइट कर देता हूँ, ये देखिए आपके सामने, चलिए मैं हल्का टाइट कर लेता हूँ क्योंकि हमें सिर्फ दिखाना है आपको। ये एफटी मैंने इसमें टाइट कर दिया ऐसा, और इसके बाद दोस्तों दूसरा हमने एंगल कॉक लिया, तो ये वाले जो पाइप, ये हमारा समझ लो टाकी से पाइप आया है, पानी टाकी से आ रहा है कोटमाले से, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी कैसे आ रहा है। पहले मैं इसे टाइट करके आपको ये समझा देता हूँ कैसे क्या है। तो इसे भी मैंने ऐसा टाइट कर लिया दोस्तों, इस पर भी एक एफटी जो है हमने टाइट कर लेना है, ये देखिए जैसे हम टाइट कर रहे हैं तो ऐसे टाइट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, हमने टाइट कर लिया। अब देखिए दोस्तों, अब बीच में जो है हमने एक ब्रास का टी ऐसा लगाना है, ऐसे ब्रास का टी लगा देना है। तो इसके लिए पाइप थोड़ा हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ज्यादा नहीं, दो दो तीन तीन इंच का टुकड़ा हम कटिंग करेंगे, ये देखिए। देखिए दोस्तों हमने दो पाइप जो है कटिंग कर लिया टुकड़ा, दो दो तीन तीन इंच का ऐसा ही करके। चलिए आपको लगा के दिखा देते हैं, ये टी लेंगे दोस्तों। मैं तो ऐसा ही लगा रहा हूँ, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो सोल्यूशन लगा लेना, मैं कच्चा ही लगा के आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि हमें फिर निकालना है इसे। इस तरीका से हमने इसे में लगा लिया। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा ये जो है परफेक्ट तरीका से हमने इसे लगा लिया है। चालू करके मैं दिखा देता हूँ, नल लगा के पूरा अच्छी तरीका से आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा नल लग के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे देखिए एक काम कैसे करता है ये चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें इसे थोड़ा मुंह लगा के खींचना पड़ेगा पानी, ये देखिए दोस्तों पानी आना चालू हो गया। देख रहे हैं दोस्तों जैसे कि पानी आना चालू हो गया, तो इसे हम नल को बंद कर देते हैं। तो मान लीजिए मैं ये वाला वाल बंद कर दिया, तो ये पानी सब जगह पे बंद हो गया, देखिए टपक रहा था यहाँ से वहाँ से, तो ये बंद हो गया, पानी अभी नहीं आएगा। अभी मैं इसको चालू करता हूँ तो पानी आना चालू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ये देख रहे हैं, जब अपना बाहर साइड का पानी आता तो इसे हम चालू करेंगे तो ये पानी रनिंग करके नल में आएगा, नल चालू करेंगे नल में आएगा, नल में नहीं चाहिए तो बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद जब इसको चालू करेंगे तो यही पानी, जैसे मान लो यहाँ से हमने चालू कर दिया, तो ये डायरेक्ट का पानी यहाँ से होके डायरेक्ट ऊपर चढ़ेगा, तो पानी टाँकी में जाना चालू हो जाएगा दोस्तों, तो टाँकी अपना भरना चालू हो जाएगा। तो एक ही लाइन में दोनों काम हो गया अपना, पानी इससे ही चढ़ेगा और इससे ही रिटर्न आता है, ये हमारा सिस्टम। तो एक बार और हम चालू करके दिखा देते हैं आपको, ये देखिए हमारा पानी चालू हो गया है, तो पानी आना चालू हो गया, तो इसे हम बंद रखेंगे। जब ये पानी चालू करेंगे टांकी का तो इसे हम बंद रखेंगे, क्योंकि नहीं तो ये पानी ऐसा घूम के पीछे साइड अपने मेन लाइन में जाएगा। मेन लाइन में जाएगा तो जितने लोग का कनेक्शन रहेगा इसमें, तो सबको सबके जगह पे आपके टंकी का पानी जाना चालू हो जाएगा, तो टंकी खाली हो जाएगा। तो इसके लिए जब इसको चालू करें, इस वाल को चालू करें, इस तरीका से चालू करें, तो इसको जो है बंद कर दें। ठीक है दोस्तों, इसे बंद रखेंगे तो पानी आपका रिटर्न नहीं जाएगा। इसके लिए हमने दो वाल
दोनों साइड पे डाल दिया और बीच में नल रखा ताकि इधर से पानी आने वाला जो है वो भी हमें मिल जाए। इसे बंद रखेंगे तो टंकी में पानी नहीं चढ़ेगा, टंकी में ज़रूरत नहीं है पानी का, तो इसे बंद रखेंगे तो टंकी में पानी नहीं चढ़ेगा और आपको पानी बराबर यहाँ पे मिलेगा डायरेक्ट का, और डायरेक्ट का चला गया तो इसे बंद करिए। बंद करने के बाद तो इसे दोस्तों चालू कर दीजिए ताकि टंकी का पानी आपके नल में आएगा। एक ही नल से दोनों काम होता है, डायरेक्ट का भी पानी आता है और टंकी का भी पानी आता है, तो दो दो नल लगाने से मतलब नहीं है दोस्तों। एक नल में दोनों काम हो जाता है तो आपका खर्चा जो है नल का बचता है, कम पैसे में एक ही नल में दोनों काम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको दिखा देते हैं दोस्तों, हमने ये देखिए कितने भाई ने हमसे कमेंट में ये भी पूछा था कि आप हाइट ज़्यादा रखे हैं पाइप का तो पानी आएगा कैसे टंकी का, तो अभी मैं टंकी का भी दिखा देता हूँ। और ये देखिए हमने ऐसे ये पाइप हमारा ऊपर से आया है, ऐसे जाके नीचे साइड से इधर से घूम के फिर ऐसा ऊपर से आए, फिर भी पानी इसमें आ रहा है। आप देख रहे हैं कि फिर भी पानी इसमें आ रहा है, तो उसमें हमने टंकी के ऊपर थोड़ा ऐसे इतने हाइट पे पाइप लिया हुआ था, तो भाई को हमारे भाई बंधु को नहीं समझ में आया, सोचे कि इतना हाइट पे जब पाइप ले लिए हैं तो पानी कैसे किचन में आएगा। तो होल तो यहाँ था, सिर्फ हमने उठा के इतना पे लिया था। क्यों लिया था कि वहाँ पे सज्जा था, सज्जे के हिसाब से हमें इतना उठाना पड़ा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।